अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लुबना ख़ान, डेली अब तक न्यूज़ के प्रोग्राम मोची दरवाज़ा में। अब मेरे साथ आपको मालूम है जैसे कि अलामा सदीक़ अज़हर साहब होते हैं, आज हमने आपके लिए मसीकी की एक ख़ुसूसी नशिस्त का अहतमाम किया है। और मेरे मेहमान हैं आशिक हुसैन साहब और मैडम नूर अफशां सिंगर। आज हम सबसे पहले आशिक हुसैन साहब से उनकी ही कंपोजिंग में एक गीत सुनेंगे। मैं प्रोग्रामा अब तक का ममनून हूँ जिन्होंने मुझे गाने के लिए यहाँ बुलाया है, और ख़ासकर मैडम लुबना साहिबा ने मुझे कॉल किया था, तो मैं हाज़िर हूँ और आपकी खिदमत के लिए तो गाता हूँ। छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है, जो मेरी अपनी कंपोज है। छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है, छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है, अज तक प्यार दी निशानी मैनू याद है, छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है, छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है। चिट्ठी जेड़ी लिखी सी तू मैनू पहली बारी नी, चिट्ठी जेड़ी लिखी सी तू मैनू पहली बारी नी, अज तक लग दिए जान नालों प्यारी नी, अज तक लग दिए जान नालों प्यारी नी, एक एक हरफ एक एक हरफ जबानी मैनू याद है, छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है, छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है। गर्मी दे दिन सन टालियां दी छांसी, गर्मी दे दिन सन टालियां दी छांसी, जिथे बह के एक बारी कीती तू हांसी, जिथे बह के एक बारी कीती तू हांसी, दिता से रुमाल मैनू निशानी मैनू याद है, छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है, छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है। मेरा सी मामूल तेरी गली विचों नंगना, मेरा सी ममूल तेरी गली विचों लंघना, गली विचों लंघना ते हौली हौली खंघना, गली विचों नंगना ते हौली हौली खंघना, कोठे उत्तों सुटिया सी, कोठे उत्तों सुटिया सी ओ पानी मैनू याद है, छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है, छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है, अज तक प्यार दी कहानी मैनू याद है, छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है, छले नाल मुंदरी वटाणी मैनू याद है। फिदा एक दिन साड़ी किस्मत हर गई, फिदा
ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹਰ ਗਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰ ਗਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰ ਗਈ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਮਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਮਰ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਚੱਲ ਨਾਲ ਮੁੰਦੇਰੀ ਵਟਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਚੱਲ ਨਾਲ ਮੁੰਦੇਰੀ ਵਟਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਚੱਲ ਨਾਲ ਮੁੰਦੇਰੀ ਵਟਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁੰਦੇਰੀ ਵਟਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਲੁਬਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਸੁਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀਆ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਇਆ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਚੁੱਕੇ ਆਪ ਖਬਰੇਂ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਬੜੀ ਖਬਰੇਂ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੀ ਵੀ ਖਬਰੇਂ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਹਮਨੇ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਨੇ ਅਭੀ ਜੋ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਇਆ ਹਮਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਆਪਨੇ ਨੂਰ ਅਫਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਾ ਵੀ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਇਆ तो जिस तरह के इतना एक खूबसूरत गीत हमने आशिक हुसैन साहब से सुना है तो क्यों ना अब नूर अफशा साहब को भी सुन लिया जाए मुझे यकीन है कि ये भी बहुत अच्छा गाते होंगे इनकी गालबन इनका एक आध गीत जो है ये किसी फिल्म में भी था और वो मैंने सुना था और रेडियो पे भी एक आध मरतबा मैंने लेकिन कभी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं की लेकिन बहरहाल आज जैसे कि आशिक हुसैन साहब ने हमें हमारी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ मबजूल नहीं की खींच लिया है हमें इतना खूबसूरत गीत उन्होंने सुनाया तो मेरा ख्याल है कि आप ज़रा हमें ज़रा नूर अफशा साहब को भी सुनवा दें ज़रा शुक्रिया लामा साहब और मैं इसके साथ ही नूर अफशा साहिबा से कहूँगी कि वो भी हमें कुछ अपने बारे में बताएं और उसके बाद वो हमें कोई गीत गज़ल कोई भी चीज़ जो हम वो सुनाना चाहें वो हमें सुनाएं लुबना जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अब तक न्यूज़ में मुझे मौका दिया और मैं कुछ सुनाती हूँ दुख सजना दे जर दे होके हवा पर दिया उमरा बीत गया दुख सजना दे जर दिया उमरा बीत गया होके हवा पर दिया उमरा सजना दे जर दिया उमरा बीत गया होके हवा पर दिया उमरा बीत गया पंद हयाती वाले आ सजना की दसी पलक बने रे कर दिया उमरा बीत गया होके हवा पर दिया उमरा बीत गया दुख सजना दे जर दिया उमरा बीत
होके हामा पर दिया मेरा बीत गया दुख सजना दे जर दिया उमरा बीत गया। भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत। अभी अलामा सिद्दीक साहब ने जैसे कि कहा कि लुबना आप ख़बरें पढ़ के वहाँ रेडियो पाकिस्तान की खबर रखती हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जब रेडियो पाकिस्तान के अंदर हमारे अपने प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें वाकई ही ये फ़नकार जब अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं तो एक समा बांध देते हैं। इसमें ये हकीकत है कि ऐसा छुपा हुआ ख़जाना रेडियो पाकिस्तान में मौजूद है। ये एक एकेडमी या इसको एक बाकायदा बुनियादी हैसियत हासिल है पाकिस्तान के इन सारे प्रोग्राम्स में, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो नूर अफशां साहिबा को आपने सुना, उन्होंने तो कमाल कर दिया। मैं तो पहले आशिक हुसैन साहब के ही उसमें सहर में मुब्तला थी, अब नूर अफशां साहिबा ने अपना जादू जगा दिया। तो मैं फिर आशिक हुसैन साहब से ये दरख्वास्त करूँगी कि आप कोई और चीज़ मुझे सुनाएँ और मेरे नाज़रीन जिससे महसूस हो सकें। एवें हौसला ना दिल रख गोरिए, एवें हौसला ना दिल रख गो एवें कटोरे तो है अच्छा, एवें हौसला ना दिल रख गोरिए, एवें हौसला ना दिल रख गोरिए, सानू मौत भी ना कर पाए वख गोरिए, में हौसला ना दिल रख गोरिए, एवें हौसला ना दिल रख गोरिए, सानू मौत भी ना कर पाए वख गोरिए, में हौसला ना दिल रख गोरिए। वेखी कोलां वाली चुन्नी किते डेग ना पवी, वेखी कोलां वाली चुन्नी किते डेग ना पवी, साडे बस पई ते शाला बस दी रवी, साडे बस पई ते शाला बस गई, गल्ला पावें जमाना करे लख गोरिए, गल्ला पावें जमाना करे लख गोरिए, सानू मौत भी ना कर पाए वख गोरिए, एवें हौसला ना दिल रख गोरिए। नी ए हिजर दिहाड़े होर थोड़ी देर दे, नी ए हिजर दिहाड़े होर थोड़ी देर दे, ए विछोड़िया दे घेरे होर थोड़ी देर दे, ए विछोड़िया दे घेरे होर थोड़ी देर दे, चुक पल कंत खोल जरा अख गोरिए, चुक पल कंत खोल जरा अख गोरिए, सानू मौत भी ना कर पाए वख गोरिए, हौसला ना दिल रख गोरिए। आशिक हुसैन साहब, खूब गाया आपने। और इसमें लुबना जो सबसे चीज़ जो देखने वाली है और जो जो इसकी खूबसूरती है, वो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि पंजाबी शायरी क्या खूबसूरत, यानी दिलों को मोह लेने वाली शायरी है, और बहुत जल्द असर भी करती है और ज़िंदगी के किस कदर करीब है। और आशिक हुसैन साहब ने जो दोनों गज़लें या जो दोनों गीत जो सुनाए हैं, मैं तो उनकी शायरी पर भी समझता हूँ कि उनकी शायरी भी बहुत कमाल है। जिन भी लोगों ने, जिन उन्होंने हमें शायरों का नाम नहीं बताया, बहरहाल
तो मेरा ख्याल है कि अब क्यों ना एक एक वो क्या वो उसे कहते हैं कि वन फॉर द रोड के एक अब अफशा नूर साहबा से भी एक सुन लिया जाए प्रोग्राम के आखिर में। जैसा कि अलामा सदीक अज़हर साहब ने कहा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी कि आशिक हुसैन साहब ने जो हमें दो गीत सुनाए हैं बहुत ही खूबसूरत शायरी दिल को छू लेती है और वाकई ही उसमें जो खूबसूरती है वो आजकल हमें देखने में कहीं नहीं मिलती और आशिक साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाया है। अब इसके बाद मैं अफशा नूर साहिबा से भी इसी तरह दरख्वास्त करूँगी कि वो हमें कोई और चीज़ सुनाएं जो कि मेरे नाज़रीन को बहुत ही खूबसूरत और लगे और पसंद भी आए। बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस कोशिश कर रही हूँ। एक स्थाई अंतरा आपको सुनाती हूँ, गज़ल अभी नहीं है तो इंशाल्लाह इसको रिकॉर्डिंग करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी। जी कर दाए ओ दे नाल रवां, जी कर दाए ओ दे नाल रवां, खुशहाल रवां बदहाल रवां, जिस हाल रखे उस हाल रवां, जी कर दाए ओ दे नाल रवां, जी कर दाए खुशहाल रवां बदहाल रवां, जिस हाल रखे उस हाल रवां, जी कर दाए ओ दे नाल रवां, जी कर दाए ओ दे नाल रवां। नारा मिठी फिक्की खट्टियां, नारंगड़ना में जट्टियां, ना मिठी फिक्की खट्टियां, मैक सूतर दियट्टियां, ते बिन चरखे दी माल रवा, जी कर दाए ओ दे नाल रवा, जी कर दाए ओ दे नाल रवा, खुशहाल रवा बदहाल रवा, जिस हाल रखे उस हाल रवा, जी कर दाए नाल रवां, जी कर दाए ओ दे नाल रवां। थैंक यू। नाज़रीन उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा जो कि खूबसूरत आवाज़ों से मुज़य्यन था। आपका प्यार हमारे लिए यही है कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।